हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं अब्रॉड ओवरसीज जॉब्स। तो आज जो जॉब ओपनिंग आई है वो कतर गवर्नमेंट के द्वारा है, कतर म्यूजियम के लिए, जिसमें कंपनी 12वीं 15वीं पास को हायर कर रही है और इसमें कतर गवर्नमेंट के द्वारा ही डायरेक्ट हायरिंग हो रही है, जिसमें आपको वीजा दिया जाएगा। कंपनी स्पॉन्सर्ड वीजा है कतर गवर्नमेंट के द्वारा, प्लस रहना खाना और सारे जो बेनिफिट्स होते हैं कतर लॉ के हिसाब से वो आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको जो जॉब ओपनिंग आई है उनके बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको इस जॉब को अप्लाई करना है, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और सबसे जरूरी कि आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट किस तरह से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो जॉब रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, आप जैसे ये लिंक पे क्लिक करोगे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप इस करियर पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पर सारी जॉब ओपनिंग आपको दिख जाएगी इनकी। तो इन्हें जरूरत है इनके म्यूजियम के लिए, कतर म्यूजियम के लिए, कतर गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें जरूरत है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, फिर लर्निंग एडमिनिस्ट्रेटर, लीगल रिसर्चर, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, म्यूजियम गाइड, क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेटर, सीनियर नेटवर्क इंजीनियर, शेयर्ड सर्विस कोऑर्डिनेटर जो कि इवेंट्स के लिए, और स्ट्रेटेजी और प्लानिंग कोऑर्डिनेटर, टेंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस क्लर्क, और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट की। तो देखिए, लगभग 7 से 8 रिक्वायरमेंट है कतर म्यूजियम के लिए। तो जिस किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ म्यूजियम गाइड के लिए, ठीक है? तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस जॉब की सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी कि जॉब क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से अप्लाई करना है, अप्लाई बटन भी है। तो मैं आपको एक इस जॉब के बारे में बता देता हूँ। ये म्यूजियम गाइड का जॉब है, जिसमें आपको म्यूजियम में जो भी लोग विजिटर्स आते हैं उन्हें आपको गाइड करना है, उनको म्यूजियम दिखाना है, उनको कुछ क्वेश्चन है का वो आपको आंसर करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो म्यूजियम विजिटर्स, जिसमें आपको वीआईपी लोग भी आ जाएंगे और फिर स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रहेंगे। तो हर तरीके के विजिटर्स रहेंगे, उनको आपको गाइड करना है और हर चीज़ के बारे में उनको बताना है। इसमें आपको जो है, अगर इस्लामिक आर्ट में अगर आपको नॉलेज है तो काफ़ी बेहतर है आपके लिए, और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होना चाहिए, प्लस आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कि वर्ड एक्सेल की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? इसमें जो है हायर एजुकेशन यानी कि 12वीं और 15वीं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अरेबिक भी आती है तो काफ़ी बेहतर है इंग्लिश के साथ साथ, और इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन जो है लिखना और बोलना अच्छा होना चाहिए, और इस्लामिक आर्ट में नॉलेज आपकी होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी है, अगर आपके पास ये स्किल्स ऐड है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, सॉरी, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा जिस किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर लेफ्ट साइड में अप्लाई का बटन देखिएगा, ब्लू बटन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको रजिस्टर करने का, राइट साइड पे। तो आपको रजिस्टर करना है, आपका अकाउंट क्रिएट करना है, इसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी देना है, आपका पासवर्ड, ठीक है, आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी मैरिटल स्टेट, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए वरना सिंगल, और जेंडर हो गया, नेशनलिटी अगर आप इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी हो, कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए, पाकिस्तान श्रीलंका जहाँ से भी हो, आपका फ़ोन नंबर। उसके बाद क्रिएट नई अकाउंट पे आप करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर डाला था और जो पासवर्ड, ये सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको जो है जाना है यहाँ पर और इसमें लॉगिन करना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के बाद ये आपसे आपका बायोडाटा अपलोड करने के लिए कहेगा। बायोडाटा अपलोड कर दीजिएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर दीजिएगा, उसके बाद ये सबमिट करने के बाद आपको कॉन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगा कतर म्यूजियम के एचआर के द्वारा। जो है सिस्टम जनरेटेड रहेगा, उसमें बताया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रिव्यू हो रहा है, ठीक है? और रिव्यू होने के बाद अगर आपका ये सिलेक्शन होता है इसमें ऑनलाइन में, तो आपको एक फाइनल ईमेल या कॉल आएगा जिसमें बताया जाएगा एचआर के द्वारा कि आपका फाइनल इंटरव्यू होने वाला है और उसका सो एंड सो डेट और टाइम रहेगा। तो इस तरह से येगा प्रोसेस, और टोटल 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू रहेगा। पहला राउंड रहेगा एचआर के साथ, दूसरा राउंड रहेगा मैनेजर के साथ। तो इंटरव्यू देने से पहले देखिए आपको कुछ तैयारी करना है, कंपनी के बारे में आप जितना जान सको कतर म्यूजियम के बारे में तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त आपसे पूछा जाएगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए और आप कंपनी के बारे में यानी कतर म्यूजियम के बारे में क्या जानते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है कतर म्यूजियम के वेबसाइट पे जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, गूगल पे आपको सिंपली टाइप करना है, ठीक
कतर म्यूजियम। जैसे आप ये टाइप करोगे आपको पहली जो वेबसाइट दिखती है ये कतर म्यूजियम की, इस पर क्लिक करोगे तो आप इधर पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर नीचे स्क्रोल कीजिए आप, यहाँ पर देखिए अबाउट अस का सेक्शन दिखेगा, इसमें आपको ज्यादातर सारी जानकारी मिल जाएगी कतर म्यूजियम के बारे में, ये कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या इनकी फैसिलिटीज है, ठीक है, इनका मिशन विजन, इनकी लीडरशिप्स, म्यूजियम में क्या क्या है, गैलरी क्या है, ये आप देख लीजिए, पब्लिक आर्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लीजिए। इसके बाद गूगल पे आप जाइए, यहाँ पर आप कतर म्यूजियम टाइप कीजिए, यहाँ पर आपको देखिए विकीपीडिया भी मिल जाएगा। ठीक है, कतर म्यूजियम का विकीपीडिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये रहा विकीपीडिया, यहाँ पर जाके भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और फिर इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी आ जाए तो आप इंटरव्यू के लिए जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए जब पूछा जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे और आप उनके सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, और इससे आपका सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। तो इस तरह से देखो आपको तैयारी करना है इस इंटरव्यू के लिए, इस तरह से आपको अप्लाई करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है अप्लाई करने में इनमें से किसी भी जॉब्स को, तो आप मुझे जो है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपकी जो है पूरी इसमें हेल्प जरूर करूंगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखिए आप अप्लाई कीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो वीडियो था हमारा पसंद आया होगा। और अगर आप इसी तरह की जॉब ढूंढ रहे हो दुबई, कुवैत, सऊदी, कतर, माल्टा, यूरोप, किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की जो जॉब वैकेंसी आती है अब्रॉड की डेली हमारे इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए जॉब वैकेंसीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।